तेरे और आसमा के बीच में क्या चल रहा है? कहां तक पहुंचा तुम दोनों का रिश्ता? हाँ सुनो, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो ना? बोल अरमान, मुझे आसमा ने बताया कि वो आसमा मैं तुम्हारे पापा लिए जूस लेने आया था, वो ग्लास टूट गया तो आलिया हेल्प कर रही थी मेरी। कोई बात नहीं, अब पापा ना एक्चुअली तुम्हें बाहर बुला रहे हैं, अब तुम चली जाओ, ये तो मैं आलिया के साथ मिलके क्लीन कर लूंगी। तुमसे रहा नहीं गया ना, तुम उसे मेरी प्रेगनेंसी वाली बात बताने आई थी ना? नहीं नहीं आसमा, मैं नहीं बता रही थी, वो तो ये गिर गया, पता नहीं कैसे। तो कोई बात नहीं, बट अगर तुमने नहीं बताया ना तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं बताना चाहती अभी उसे, आप मैं एक्चुअली किसी को भी अभी नहीं बताना चाहती हूँ। जब ये रिपोर्ट आ जाएगा ना कल दोपहर में, तो मैं खुद श्योर होकर सबको बता दूंगी। ये मैं क्लीन कर देती हूँ। तो फिर यही ठीक रहेगा रंधावा साहब, क्यों कबीर? अंकल जी, अगर आलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो I'm okay. अच्छी बात है, आसमा की दोस्त के साथ शादी कर रहे हो, आलिया भी तो घर की ही बेटी है। भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं है, पर फिर भी एक बार आलिया से बात कर लेते हैं। एक्चुअली इतनी जल्दी क्या है शादी करवाने की? कबीर के पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, और वो आलिया से मिले भी नहीं है। शादी से पहले मिलना जरूरी है ना, और कबीर ही कह रहा था मुझे कि उसके पेरेंट्स को कुछ काम है तो वो इंडिया नहीं आ पा रहे। इसकी वजह से मैं बस सोच रही थी कि एक बार वो आलिया से मिल लेते और फिर हम शादी की बात करते। पर मेरे पास एक आइडिया है, कबीर के पेरेंट्स अगर इंडिया नहीं आ सकते हैं तो हम आलिया को तो कनाडा भेज सकते हैं ना। एक बार आलिया कनाडा पहुंच जाएगी तो वो उनसे मिल भी लेगी, और कबीर के पेरेंट्स हाँ कर देंगे आलिया के लिए, फिर हम शादी धूमधाम से करवा सकते हैं। क्यों आलिया? हो क्या गया इसे? अभी तो कल वाली बात का असर भी खत्म नहीं हुआ और ये इसे कनाडा ले जाने की बात कर रही है। वैसे मैं और अरमान तो जाने ही वाले हैं कनाडा, आलिया चाहे तो हमारे साथ आ सकती है। से बात तो ठीक है, क्यों नहीं मत? हाँ, I think आसमा का सजेशन बहुत अच्छा है, इसी बहाने आलिया भी अपने ससुराल को देख लेगी, है ना? क्या हुआ डैडी जी, सब ठीक है ना? हाँ पुत्र, सब ठीक है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सबका कितना ख्याल रखती है। जिंदी रहे पुत्र, हमेशा खुश रहे। मुझे ना अरमान की दवाई लेनी है, मैं लेने जा रहा हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, उस लड़की को अपने घर में आने से कैसे रोकूं जिसे आसमा खुद अपने आप बुला लेती है बार बार। फोन उठा अरमान, प्रेगनेंसी वाली बात क्लियर करनी है तुझसे। ऊपर से आसमा मुझे कनाडा ले जाने की बात कर रही है। तुम्हें ना रेस्ट करने की जरूरत है। आसमा अरमान चल। कोई बात नहीं, कल पता करती हूँ कि सच में प्रेग्नेंट है भी या कोई नाटक कर रही है। एनी आइडिया आसमान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया?
भाई ये सब देख के तो लगता है कोई गेम शेम का प्लान है उसका। ओ वाओ, फिर तो मजा आएगा। चलो बैठते हैं। और हम खेलेंगे क्या, कोई ये तो बताओ। राजा, हम एक्चुअली ना आपके अरमान वीरे को घर पे रखने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई बहाना देके बाहर चला जाता है, क्योंकि अरमान घर पे रह के थोड़ा रेस्ट कर ले। वाह भैया, बैठ। कसम से बीवी हो तो ऐसी हो, मतलब कमाल है यार तू आसमान। यार तू तो ना मुझे जला जला के मार देगा। चल भाई, अभी क्या खेलने वाले बताएगी? हम एक्चुअली ट्रुथ एंड डेयर खेलने वाले और देखेंगे कि किसमें कितना है दम। ट्रुथ एंड डेयर? भाई ये कौन सी बला का नाम है? अरे वही है जिसमें ना वो बोतल को ना घुमाते हैं। ये बोतल को घुमाते हैं? हाँ, बोतल घुमाते हैं। करना क्या है भाई, कोई बताएगा? चाची जी, एक्चुअली करना क्या होता है ना कि इस बोतल को घुमाया जाएगा और वो जिनके सामने भी आया ना उन्हें ट्रुथ या डेयर में से कोई एक चीज चूज करनी होगी। तो ये तो बड़ी आसान गेम है। चल राजे, कमा बोतल। आसमा, ट्रुथ। भाई कौन पूछ रहा है सवाल? मैं पूछ रही थी। Go for it. झूठ बर्दाश्त करने की हद क्या है तुम्हारी? अगर कोई तुम्हें धोखा दे, चीट करे, तो क्या तुम हद से पार जा सकती हो? किसी भी चीज की हद दिल तय करता है। अगर आपके दिल में बहुत सारा प्यार हो तो हद भी बढ़ जाती है। झूठ बर्दाश्त करने की भी और सच सुन के इंतजार करने की भी। वाह क्या बात है आजमा। वाह, नाइस आंसर। चल खवाओ। अरमान, अरे हमारे अरमान वीर तो ना बड़े ही डेयरिंग है, डेफिनेटली डेयरी चूज करेंगे, है ना? पर सवाल तो आसमा ही पूछेगी। Come on, Asma, go for it. Sir. Truth. हाँ। अगर तुम्हें कभी झूठ या सच में से कुछ चुनना हो तो क्या चुनोगे? मैं वो चुनूंगा जो सामने होगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ अरमान। यार आसमा, तो यार इसे कंफ्यूज कर रही है अभी। कबीर, कभी कभी लोग ना सच और झूठ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओ यार, दे दे उसे जो जवाब देना है, बस खत्म कर इसे। कुछ भी नहीं, सिर्फ सच बोलूंगा। बस इंतजार की हद थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, कहीं लेट ना हो जाए अरमान। सेल्फ रिस्पेक्ट को सब्र की आजमाइश मंजूर नहीं होती। लहू लुहान हो जाता है आत्मसम्मान, इतना जख्मी हो जाता है कि सजा और माफी हर जख्म भर देते हैं। क्या टाइम पास कर रहे हो यार? सॉरी, आई मीन गेम आगे बढ़ाते हैं ना, मेरी टर्न भी तो आने दो। हाँ, चल राजे, घुमा घुमा दूँ? हाँ हाँ, घुमा भाई चेती। आ गई तेरी टर्न, चल। भाई मैं तो डेयर वाला बंदा हूँ, तो मुझे कोई भी डेयर दो मुझे चलेगा। तुम अभी जाके गार्डन से मेरे लिए फूल लेकर आओगे। फूल? चांद तारे बोलते ना तो मैं एक बार सोचता भी। फूल यूं गया यूं आया। कबीर, तुमने चीटिंग की है और मुझे चीटिंग बर्दाश्त नहीं है। तुमने सिलेक्ट किया था ना, तो ऑनेस्टली अपना डेयर पूरा करो।
गार्डन से जाके लेके आओ। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। चलिए माता रानी लेके आता हूँ। हाँ आसमा, झूठ से तो मेरा भी दम घुट रहा है, पर मैं चाह के भी तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। एक बार तुम्हारे पापा की सर्जरी ठीक हो जाए फिर बात करूंगा तुमसे। आप मुझे ना जरूरी काम से जाना है तो मैं चलता हूँ। आसमा की रिपोर्ट्स भी आने वाली होगी, मुझे चलना चाहिए। मुझे याद आया मेरा ना पार्लर में अपॉइंटमेंट है तो काफी लेट हो गया है। सॉरी हाँ, एंड थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर, वो आसमा गिल की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट चाहिए थी, उन्होंने मंगवाई है। सॉरी, पर मुझे तो इनका फोन नहीं आया। मैम, डॉक्टर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और कोई फोन वोन करने की जरूरत नहीं है। वो किसी रीजन से आ नहीं पाई तो उसने मुझे भेज दिया। और वैसे भी मैं एसपी एकम रंधावा की बेटी हूँ, तो अब प्लीज रिपोर्ट्स। अपनी दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, शी इज प्रेग्नेंट। मैं लेट हो गई हूँ, इट्स 3:30, रिपोर्ट आ गई होगी। मुझे अरमान से बात करनी होगी, उनसे बात करनी होगी। देखिए, जो सर्जरी है वो बहुत ही क्रिटिकल है, आई थिंक आपको फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं इनका जवाई हूँ, ये घर पे किसी को बताना नहीं चाहते। आप कुछ भी करके इन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जी। माता रानी मेहर कर, ठीक कर दे पापा जी को। आसमा को मैं वैसे इतने दुख दे रहा हूँ, सच बताकर भी दिल ही तोड़ने वाला हूँ उसका। ऐसे में अपने पापा के बारे में सुन के, नहीं नहीं माता रानी प्लीज, आसमा के साथ इतना गलत मत होने देना। कुछ भी करके उसके पापा को ठीक कर दीजिए, ताकि कोई तो उसे संभालने वाला। माता जी, आप ठीक है ना? अब ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी ना सिस्टर, किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे कहना। नहीं, और इंतजार नहीं कर सकती, अरमान से बात करनी होगी। थैंक यू मैम। हेलो, मैंने खुद रिपोर्ट देखी है, कैसे हो सकता है ऐसा? हाँ आलिया, किस रिपोर्ट की बात कर रही हो तुम? तुम ये तो अरमान का फोन है ना? हाँ, वो एक्चुअली मेरा और अरमान का फोन आइडेंटिकल है ना, तो स्विच हो गया है, इसकी वजह से अरमान का फोन मेरे पास है। किस रिपोर्ट की बात कर रही थी तुम? वो मैं अपनी रिपोर्ट्स की बात कर रही थी। आलिया, ऑल ओके ना? किन रिपोर्ट्स की बात कर रही हो तुम? वो मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था, तो डॉक्टर ने ऐसे कुछ टेस्ट लिखे थे, तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल आ गई। वो अब ऐसे अपना हाथ काटोगी तो हीमोग्लोबिन तो कम ही होगा ना?
वैसे तुम्हारी रिपोर्ट में क्या? मैंने कहा ना तुम्हें, सबसे पहले अरमान को बताऊंगी, फिर किसी और को। वैसे आलिया, अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो। पैसा गया तो क्या गया, हेल्थ गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्या बोल रही हो तुम? अब मैं तो सिर्फ वही पढ़ रही हूँ जो तुम्हारे पीछे लिखा है। वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल सेइंग ना। ठीक है, जो भी है, मुझे कुछ काम है बाद में। आलिया कहाँ जा रही हो? मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, घर चलो ना मेरे साथ। मेरी हेल्प? हाँ। आओ ना। आसमा मुझे काम है। चलो। मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ इकट्ठा क्यों किया है। एक्चुअली मेरे पास एक बड़ी न्यूज है अनाउंस करने के लिए। इट्स अ बिग सरप्राइज। ओए क्या बात, घर में पार्टी होने वाली है क्या? ग्रैंड पार्टी आज शाम को। चलो जी फिर तैयारियां करते हैं। चलो मम्मी मेरे ना मेरे नए नए कपड़े निकाल दो, मजा आएगा। असम उधर क्या बात है? अब मैं शाम में बताऊंगी। अगर अगर इसने सबको ये बता दिया कि अरमान के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मेरे और अरमान के एक होने की हर उम्मीद खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आलिया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आलिया मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात आज पार्टी में अनाउंस कर दूंगी, पर तुम किसी को मत बताना प्लीज। वैसे ना आज बहुत सारा काम है, मेरी हेल्प कर दोगी? डेकोरेटर्स भी आने वाले हैं। आसमा वो जस्ट कबीर का फोन आया मेरे पास, उसको मिलना है मुझसे, पता नहीं क्यों। सीधे शाम को आती हूँ मैं तुम्हारे पास। ओके सॉरी। हाँ सॉरी, इट्स ओके। आसमा पुत्र अच्छा लगता है तुझे ऐसे खुश देखकर। बस अब अपने और अरमान के रिश्ते को इतना मजबूत बना ले कि दूसरा बंदा तुम्हारे दोनों के बीच आ ही ना सके। और पुत्र रिश्ता मजबूत तब बनता है जब दोनों एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ते जाएं। पुत्र ये प्यार की डोर बड़ी नाजुक होती है और ये तभी मजबूत हो सकती है जब एक की गलतियों को दूसरा नजरअंदाज कर दे। आहो पुत्र, औरत की समझदारी और कुर्बानी से ही घर बनता है। बाहर की लड़ाई चाहे हम जीत जाए, पर घर की लड़ाई हारने में ही जीत है। अरे भाई हम इसे ये सब क्यों समझा रहे हैं? ये तो हमारी बड़ी समझदार बच्ची है। भाई आज शाम की पार्टी को लेकर मैं तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। अरमान पता नहीं कहाँ चला गया। अरमान पुत्र मुझे कुछ हो भी गया ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी आसमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। किसने कहा कि आपको कुछ होगा? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। पुत्र मेरी बेटी मेरा सब कुछ है। हाँ जी, और वो ना कभी हार नहीं मानती। आप उसके पापा हो इसलिए आप भी हार नहीं मानोगे। मैं बहुत नसीबों वाला हूँ पुत्र कि मुझे दामाद नहीं तो जैसा बेटा मिला है। अपनी दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, रिपोर्ट पॉजिटिव है। मेरे पास एक बड़ी न्यूज है अनाउंस करने के लिए। इट्स अ बिग सरप्राइज। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ, धोखा किया है तूने मेरे साथ, आंखों में मेरे दोनों झोंका है। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। इसको अरमान को फोन लगा, तू देगा ये जवाब मुझे? नहीं, अरमान का फोन आसमा के पास है। तो आसमा, आसमा कहाँ है तू? कब से फोन कर रही हो तू? अभी तो मिले थे हम, सब ठीक है ना?
अरमान के पास होना चाहिए। हाँ एक्चुअली फोन उसके पास ही था, पर हम घर आ गए तो हमने अपना फोन अब वापस ले लिया। कुछ बात करनी है अरमान से। अब नहीं वो कोई ना, शाम को मिलती हूँ तुमसे। हाँ ओके बाय। बहुत हो गया, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा, वो भी शाम होने से पहले। हेलो, पता है ना क्या करना है?